नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना के महामारी में जूझ रही है, वहीं पर ये समय दिल्ली के अंदर और देश के अंदर मलेरिया और डेंगू से होने वाली बीमारियों का भी समय है। और पिछले कई सालों से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली ने डेंगू के ऊपर, मलेरिया के ऊपर एक तरीके से लगाम लगाया है, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट, एक बहुत बड़ा सहयोग उन कर्मचारियों का जाता है जो कि घर घर जाकर मलेरिया डेंगू के जो लार्वा है, जो उनसे कीटाणु उनके हैं, उनकी जो चेकिंग करते हैं, जिनको हम लोग डेंगू मलेरिया वॉरियर भी बोलते हैं, ऐसे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सहयोग इसमें जाता है कि जो कि दिन प्रतिदिन पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम कर डोर टू डोर जाके चेक करते हैं कहीं ब्रीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई मच्छर तो नहीं पैदा हो रहा है। और इनको हम नमस्कार भी करते हैं, इनकी जज्बे को सलाम करते हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 3500 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी इन कर्मचारियों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार कर रही है। ये सारे कर्मचारी एमसीडी के अंदर आते हैं और इनके साथ बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी कर रही है। पिछले 2002 से इन लोगों को ठेके के आधार पर रखा जाता है और इसके विरोध में कई बार इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई बार धरना किया, कई बार भूख हड़ताल किया और कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आश्वासन भी दिया कि इनके साथ न्याय होगा। कुछ ना होते हुए देखकर ये कर्मचारी कोर्ट गए और कोर्ट ने इनके पक्ष में बहुत बड़ा फैसला सुनाया। दिसंबर 2019 को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इन कर्मचारियों को जो कि 14,000 रुपए वेतन मिलता है, इनको 32,000 रुपए वेतन दिया जाए और 2012 से इनके सारे बोनस, सारे एरियर भी इनको दिया जाए। और कोर्ट ने टाइमलाइन भी दी कि 31 मार्च तक ये दोनों काम हो जाने चाहिए, 31 मार्च 2020 तक ये दोनों के दोनों काम हो जाने चाहिए। ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ये कर्मचारी लाखों लोगों की जिंदगी बचाते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी बचाते हैं, इसलिए इन कर्मचारियों को, ये योद्धा हैं और इनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 31 मार्च 2020 तक इनकी सैलरी जो कि 14,000 मिलती है, 32,000 होनी चाहिए और 2012 से जो भी बोनस और एरियर जो इनके रुके हुए, वो सारा का सारा बोनस और एरियर दिया जाए। लेकिन आज हम अक्टूबर महीने में हैं। दुर्भाग्य है कि मीडिया वालों की भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती, अपोजिशन की भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती, अब तो वो कोर्ट की भी आदेश को अवहेलना करते हैं, कोर्ट के आदेश को भी नहीं सुन रहे। हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि इस मुद्दे को उठाइए। आज जब हमने उनसे कहा कि आइए हम आज पीसी करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको फोन करके धमकी भी दी कि अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाओगे तो हम नौकरी से भी आपको सस्पेंड कर देंगे। तो ये बहुत ही
दुर्भाग्य की बात है, आज हम अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, दिल्ली की जनता के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि जो कोर्ट का आदेश है उसको आप तुरंत अक्षर से लागू करें, और ये जो वॉरियर हैं जो कि ये डेंगू मलेरिया से दिल्ली को बचा रहे हैं, इन सैनिकों के साथ जो अन्याय आपकी एमसीडी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अन्याय इनके साथ खत्म किया जाए और इसको तुरंत का तुरंत लागू किया जाए। ये हमारा एक निवेदन है उनसे, एक हमारी विनती भी है उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। एक दूसरे मुद्दे पर भी आपसे बात रखनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले नॉर्थ एमसीडी के अंदर जब हम लोगों ने सैलरी का मुद्दा उठाया, दिल्ली इतनी गंदी क्यों है इसका मुद्दा उठाया, तो वहां के मेयर साहब ने हमारे सभी पार्षदों को सस्पेंड कर दिया था। उसको लेकर आज हम कोर्ट में गए थे और अभी 15 मिनट पहले ही कोर्ट का आदेश आया। इन्होंने एक बड़ी चालाकी का काम किया था कि हमें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया और उस 15 दिन के अंदर दो बार सदन बुला लिया इन्होंने। तो जनरली महीने में एक बार सदन बुलाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, उस 15 दिन के अंदर दो बार सदन बुला लिया, जिससे कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं होंगे तो ये मनमाने कोई भी प्रोजेक्ट पास करा सकते हैं। आम आदमी पार्टी इसको लेकर कोर्ट में गई और मैं हाईकोर्ट का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनके दोनों सदन जो उन्होंने बुलाए थे उसको खारिज कर दिया और दोनों पक्षों को नोटिस दिया है। इस पर दो दिन बाद फिर से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका मिलेगा। आप सब साथियों का धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसके पहले वाला जो मुद्दा था, अक्सर एनसीडी ये कहती है कि दिल्ली सरकार से फंड मिलता ही नहीं है, ये कब तक चलेगा? आपको लगता नहीं कि इसके बीच में जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा पिसते हैं और सही तरीके से फंड का वितरण नहीं हो पाता? नहीं, देखिए एमसीडी कुछ भी कह रहे, हम तो हर बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली सरकार को जितना भी पैसा एमसीडी को देना है वो हम देते हैं, और ये तो हाई कोर्ट का आदेश है। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया, उससे उन्होंने एमसीडी को निर्देश दिया है कि आप इन सबको पैसा दीजिए, इन सबको सारी कार्रवाई करें। और मैं तो बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर उनसे नहीं होता तो वो छोड़ दें, आम आदमी पार्टी इसी फंड से ज्यादा अच्छे से इनके साथ कार्रवाई कर पाएगी। 2017 के चुनाव थे तो बीजेपी ने यही मुद्दा रखा था, बल्कि चुनावी वादा था कि क्योंकि आप सरकार जो है पैसा नहीं देती है तो हम केंद्र से सीधा एमसीडी को पैसा दिलवाएंगे। उस मोर्चे पे आपकी जानकारी में कुछ है, कुछ अभी तक हो पाया हो या सदन में कुछ प्रस्ताव पास हुआ हो? मनोज तिवारी जी ने 2017 में ये कहा था कि जब आप ही लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत हो चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके वो सेंट्रल से पैसा लेके आएंगे एमसीडी के लिए। दुर्भाग्य से, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक भी पत्र मनोज तिवारी ने आज तक नहीं लिखा है, ना कोई फॉर्मल इनफॉर्मल बातचीत इसमें की है। तो एक तरीके से उन्होंने झूठ बोला दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने गुमराह किया, दिल्ली की जनता को झूठ बोला, और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी को माफी मांगनी चाहिए। आज हाथरस गए हुए थे, कल एक्चुअली वो कल पहुंचे हुए हैं और वो पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन उनके ऊपर आरोप यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे 29 तारीख को, और बावजूद इसके वो कल परिवार से मिलने पहुंचे। इतनी बड़ी लापरवाही पार्टी की तरफ से, जो लगातार कोरोना को दिल्ली में देख रहे हैं, कैसे हो सकता है और क्या जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण, विधायक होने के कारण ऐसी लापरवाही करनी चाहिए उनको? मेरी भी, मैंने ट्विटर पे आज दोपहर में ये खबर देखी और मैंने उनसे बातचीत करना चाहा तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। तो मुझे ये नहीं पता है कि वो टेस्ट करा के फिर से निगेटिव होके गए थे या क्या स्थिति होगी। जैसे ही कोई मेरे पास जानकारी है तो आती है तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या निगेटिव था? नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि किस दिन उन्होंने डिटेक्ट किया, कई बार टेस्ट आदमी लेट कराता है।
नहीं, उससे पहले हो सकता है, बहुत पहले से उनको रहा हो, एक बार उसमें देख लेते हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बातचीत होने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा सी भी शर्म बची है तो अपने गुंडों के माध्यम से इस तरह की हरकतें बंद कराएं, और अगर उनको गलत फहमी है कि अपने गुंडे भेजकर, अपनी पुलिस भेजकर वो आम आदमी पार्टी की बात को दबा देंगे, तो वो गलत फहमी में है। हम इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनकी जाति चल रही है, जो कि अलोकतांत्रिक उनकी सरकार चल रही है, उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे, और जो कि एक ही जाति के आधार पर जो पूरी की पूरी सत्ता चला रहे हैं उसका हम विरोध करते रहेंगे। उनके ऊपर जो भी कराना है हमारे ऊपर, वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सर, वो अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सोशल मीडिया उन्हें बदनाम कर रही है, मैं उनके ऊपर केस करूंगा। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेक न्यूज, सबसे ज्यादा बदनामी का काम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल करती है, तो वो बिल्कुल कोर्ट में जाए, उनका नागरिक है, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन मैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी अपने अंदर भी झांक कर देखें, जो पुलिस ने किया है वो कहीं से भी आप मानवीय नहीं कर सकते। परिवार को 2 दिन तक उनके घर में बंद करके डीएम को, एसपी को भेजकर परिवार वालों को धमकी देना, ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। इस पे तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ।